दिल्ली के श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी ने हैवी शार्प कटिंग वेपन्स का इस्तेमाल किया था। दिल्ली पुलिस की सख्त पूछताछ में आफ्ताब अब सच बोलने लगा है। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आफ्ताब के घर से कई अहम सुराग भी बरामद हुए हैं। आफ्ताब के निशानदेही पर पुलिस को घर से हथियार नुमा कुछ चीजें मिली हैं। पुलिस को शक है कि शव के टुकड़े करने में इसका भी इस्तेमाल किया गया है। आफ्ताब को इंटरनेट के जरिए ये मालूम चला था किसी मरे हुए इंसान के शव के टुकड़े करते वक्त खून का फव्वारा जरूर निकलता है। वो खून के छींटे कुछ फीट तक जाकर गिर सकते हैं, इसीलिए उसने शव के टुकड़े करने वाली जगह के आसपास कई फीट तक खास एसिड के तमाम खून के धब्बे मिटा दिए थे। फॉरेंसिक टीम का दावा है कि आफ्ताब ने कत्ल वाले दिन जो कपड़े पहने हुए होंगे उन पर खून के धब्बे और सबूत अब तक जरूर जिंदा होंगे। लेकिन आफ्ताब इतना शातिर है कि जिस तरह से श्रद्धा के कपड़े बरामद नहीं हो रहे हैं, वैसे ही आफ्ताब ने अपने कपड़े भी बड़ी ही चालाकी से ठिकाने लगा दिए होंगे, जिनकी तलाश अभी चल रही है। पुलिस ने घर से तमाम कपड़े भी बरामद किए हैं ताकि कोई एक सुराग उन कपड़ों से पुलिस को मिल सके। वहीं दूसरी ओर गुरुग्राम की काली पॉलीथीन में भी पुलिस को हत्याकांड से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, जिससे पुलिस अब नई दिशा में इस हत्याकांड की उलझी गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। इसके अलावा सबूतों की तलाश में दिल्ली पुलिस की एक टीम आज फिर से गुरुग्राम में उस जगह पहुंची है जहां पुलिस ने शुक्रवार को सर्च ऑपरेशन चलाया था। पुलिस की टीम आज मेटल डिटेक्टर के साथ पहुंची। पुलिस को शक है कि कहीं कातिल आफ्ताब ने वारदात में इस्तेमाल हथियार यहीं तो नहीं छिपाया है। शनिवार की सुबह श्रद्धा हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग भी लगे हैं। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। फुटेज में आरोपी कैद होता दिखाई दे रहा है। आरोपी आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद शव के कुछ टुकड़े उसी वक्त फेंक दिए थे जबकि सिर और धड़ उसके हाथ पैरों की उंगलियों को फ्रिज में रखा था। आरोपी आफ्ताब ने इन टुकड़ों को 18 अक्टूबर यानी कि करीब 5 महीने बाद जंगल में फेंका। आरोपी एक ही दिन में इन टुकड़ों को फेंक कर आया था। उस दिन आरोपी आफ्ताब ने शाम 4:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 4 चक्कर मारे थे। इस दौरान आरोपी सीसीटीवी में कैद हुआ था। पुलिस ने सीसीटीवी को जब्त कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज में वो बैग लटकाकर जाता हुआ दिखाई भी दे रहा है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए मीडियम न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।